हेलो एवरीवन, सिकुस का टूटल में आपका स्वागत है। स्टूडियो में बात करते हैं 14 अगस्त 2019 का SSC MTS का एग्जाम है। दूसरी स्टूडियो में जीएस और जीके क्या क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो एक क्वेश्चन, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो नाथुला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ये पाया जाता है सिक्किम के अंदर, और ये नाथुला पास है ये सिक्किम और चाइना के बीच एक पास है। भारत रत्न 2019 गिवन टू, यानी कि 2019 में भारत रत्न किन किन को दिया गया। तो देखिए, 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला है। भूपेन हजारिका को, इनको मरणोपरांत मिला है, नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं देश के। नेक्स्ट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र विल बी, यानी कि महाराष्ट्र के जो इस समय गवर्नर है, यानी कि बात उन्होंने पूछी गई थी जून से पहले, मतलब जून से पहले कौन से गवर्नर थे, कौन राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, और जून के बाद कौन हो जाएंगे। तो देखिए, जून से पहले जो गवर्नर थे वो थे चौधरी विद्यासागर राव। जून 2019 से पहले चौधरी विद्यासागर राव गवर्नर थे, और इस समय जो गवर्नर है वो सुमित्रा महाजन है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 विनर, यानी कि 2018 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी विजेता कौन सी टीम रही, उसकी विजेता टीम रही है बेल्जियम। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर हॉकी का वर्ल्ड कप 2018 जीत लिया था, और ये वर्ल्ड कप हुआ था भारत के भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच रिवर बेसिन, एक्चुअली इसके ऑप्शन मेरे पास क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी वैसे बता देता हूँ कि जो कोरल रीफ होते हैं, कि जो प्रवाल भित्ति होती है, वो मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, गंगा नदी और इन सब में मिलती है। तो अगर पूछा था कि किस में नहीं पाए जाते, तो लूनी नदी इसका आंसर आप कर सकते थे। क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज ऑफ विच टाइप, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है मानव के अंदर, वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल की जो, यानी कि मादा की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, आपको कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि मेटल कौन सा है इनमें से। देखिए, सल्फर, आयरन, हीलियम, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो सिंपल सी बात है, आयरन एक मेटल होता है, सल्फर, हीलियम, हीलियम एक गैस है, सल्फर नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फार्मर ड्यूरिंग चोला डायनेस्टी अर्काल, यानी कि चोल वंश के दौरान, चोल साम्राज्य के दौरान किसानों को किस नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक क्वेश्चन था, इकोनॉमी इन विच अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर जो बेरोजगारी है तो बहुत ज्यादा होती है, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, उस टाइम अर्थव्यवस्था की कंडीशन जो होती है उसे बोलते हैं रिसेशन, बोलते कि रिसेशन चला हुआ है। अमरावती स्तूप इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो अमरावती स्तूप है वो कौन से राज्य के अंदर, यह है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन था, एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट, यानी कि जो दल बदल कानून था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था भारतीय संविधान में। तो डाला गया था 51वें संविधान संशोधन के द्वारा, 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, सिविल डिसोबिनेंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन था जो कि SSC MTS के एग्जाम में 14 अगस्त को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है को लाइक जरूर किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।